असलम स्टूडेंट्स वेलकम टू माई YouTube चैनल एम टी एच टू जीरो टू का लेक्चर नंबर ट्वेल्व है जिसमें हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन को सबसे पहले आ जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपके पास ऐसा रिलेशन होता है जिसमें आपके पास एक एलिमेंट अगर ए है ए आपके पास कैपिटल ए जो है वो आपका सेट को डिनोट कर रहा है, उसमें आपके पास जो है ना एलिमेंट जो जितने भी एलिमेंट आएंगे वो आपस में एक दूसरे का रिफ्लेक्स होंगे यानी कि खुद के साथ एलिमेंट बना रहे होंगे तो इसको कैसे कहते है कि A, A A A है न, हैं कि ए ए जब है देखें ए और ए जो है ना वो रिप्रजेंट करें कि जो वैल्यू ए की होगी ना वन की वही वाली वैल्यू बी की भी होनी चाहिए ठीक है तो एग्जाम्पल देखें एग्जाम्पल आपको रिलेशन वन नज़र आ रहा है वन वन थ्री थ्री टू टू फोर फोर तो ये बेसिकली आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो क्यों है क्योंकि ये खुद के साथ जो है वो रिलेशन बना रहे हैं सेकेंड वाला जो आर टू है उसमें वन वन है वन फोर है टू टू थ्री थ्री फोर थ्री अगर आप गौर करें तो वन वन ख़ुद के साथ रिलेशन बना आ रहा है उसमें टू टू भी आ रहा है और थ्री थ्री भी आ रहा है इस लिहाज से ये रिलेशन तो बन सकता है लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है सेकेंड वाले में प्रॉब्लम ये आती है आपके पास देखिए सेकेंड वाला इसमें क्या है वन वन है ठीक है वन फोर है तो फोर वन भी मौजूद होना चाहिए था यानी कि खुद के साथ रिलेशन बना रहा है वन फोर है तो फोर वन वाला पेयर भी होना चाहिए था तो वो नहीं है फोर थ्री है तो थ्री फोर वाला पेयर भी होना चाहिए था तो वो भी नहीं है इसलिए ये रिलेशन आपके पास जो है ना वो रिफ्लेक्सिव नहीं है थर्ड वाला देखें उसमें वन वन है वन टू है तो टू वन भी मौजूद है टू टू है थ्री थ्री एंड फोर फोर है तो हम कह सकते हैं कि आर थ्री आपके पास रिलेशन है अब आर फोर वाला आप खुद देखें कि क्या वो रिलेशन है या नहीं अगर नहीं है तो क्या रीज़न है तो देखें आपके पास वन थ्री है तो थ्री वन भी मौजूद है टू टू है टू फोर है तो फोर टू मौजूद नहीं है अगर वो था तो फिर आपके पास ये रिलेशन बन जाना था आर फोर लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है ठीक है उसके बाद देखें आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ है इसका वो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्टेड ग्राफ कहता है ख़ुद के साथ रिप्रेजेंटेशन करवाना वन है तो वो खुद के साथ ही एक जो है ना वो एलिमेंट बना रहा है सेट बना रहा है वन वन के साथ लूप बना रहा है टू टू के साथ थ्री थ्री के साथ एंड फोर फोर के साथ लेकिन आपको जो राइट हैंड साइड पर नज़र आ रही है डायग्राम उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें वन वन के साथ तो बना रहा है लेकिन वन फिर अगेन फोर के साथ रिलेशन बनाता है एरो बनाता है तो फिर फोर से वन की तरफ भी एरो जाना चाहिए था वो नहीं है सो so, ये आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है नेक्स्ट आपको फिर एग्जाम्पल नजर आ रही है वो रिफ्लेक्सिव है आर थ्री वो इसलिए क्योंकि वन वन के साथ भी रिलेशन बनाता है सब खुद के साथ रिलेशन बना रहे हैं वन टू की तरफ मूव कर रहा है तो टू भी वन की तरफ एरो जो है ना वो मूव कर रहा है so, सो ये आपके पास रिलेशन है और आर फोर आपके पास इसीलिए रिलेशन नहीं है क्योंकि वन थ्री की तरफ तो लूप बनाता है लेकिन थ्री अगेन वन की तरफ सॉरी टू थ्री की तरफ लूप बना रहा है लेकिन थ्री जो है वो अगेन टू की तरफ लूप नहीं बना रहा तो इसलिए ये आपके पास रिफ्लेक्सीव रिलेशन नहीं है उसके बाद मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ जाती है मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपने रिलेशन लेना है आपके पास हॉरिजॉन्टली भी वन टू थ्री रिलेशन की जो वैल्यूज है उनको लिख देना एक को और वर्टिकली भी फिर देखना है कि वन और वन कहाँ पे आ रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जहाँ वन वन आ रहा है उसकी पोजीशन पे वन पुट कर देना आपने फिर जहाँ वन और थ्री आ रहा है उसकी पोजिशन पर भी वन पुट कर दिया टू टू की पोजिशन पर भी वन पुट कर दिया थ्री टू की पोजिशन पर भी वन पुट कर दिया एंड थ्री थ्री की पोजिशन पर भी वन पुट कर दिया तो फिर क्या हुआ जो बाकी बच गए वहाँ पर आपने जीरो पुट कर देना तो ये आपके पास मेट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी फिर अत्या सिमेट्रिक रिलेशन कौन से होते हैं तो ऐसे रिलेशन आपके पास सिमेट्रिक होते हैं जिसमें बैलेंसड होती है क्वेश्चन यानी कि अगर ए बी के साथ रिलेशन बना रहा है तो बी ए उसका सेकेंड वाले का ऑर्डिट पेयर होंगे ठीक है लेकिन अगर ऐसा हो कि ए बी की तरफ तो एरो मूव कर रहा है लेकिन बी ए की तरफ नहीं करता तो ये आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होते यहाँ पे आपको एग्जांपल नज़र आ रही होगी फर्स्ट वाला रिलेशन आर वन जो है उसमें वन वन है वन थ्री है तो थ्री वन भी मौजूद है टू फोर है तो फोर टू भी मौजूद है सेकेंड वाला जो है उसमें क्या आ रहा है वन वन है टू टू थ्री थ्री एंड फोर फोर तो यहाँ से आपकी कन्फ्यूजन दूर होनी चाहिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है ना वो सिमेट्रिक रिलेशन भी होता है क्योंकि वन वन की तरफ मूव कर रहा है तो फिर अगेन इनकी आप तरतीब चेंज भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस तरह से आपने आर थ्री और आर फोर को भी जो है ना वो बेशक वीडियो पॉज करके देखा करें कि ये रिलेशन बन रहे हैं कि नहीं आप इसके साथ साथ प्रैक्टिस किया करें आर थ्री आर फोर भी देख लेने और वो क्यों नहीं बन रहे रिलेशन ये भी फिर आपके पास जो है ना वो डायरेक्टेड ग्राफ आ जाता है वो कहता है कि जो है ना एक तो रिफ्लेक्सिव भी सिमेट्रिक रिलेशन है और दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन वो होगा हो जो एरो जो है अगर वन से देखे थ्री की तरफ मूव कर रहा है तो थ्री से वन की तरफ भी मूव करना चाहिए एरो को टू से फोर की तरफ जा रहा है तो फोर से टू की तरफ भी मूव करे तो आप ये आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा लेकिन देखिए आपको थर्ड वाला जो आर्ट थ्री नजर आ रहा है वन जो है वो अलोन है इसके साथ किसी ने रिलेशन नहीं बनाया और एक और चीज़ नोट करें टू अगर थ्री की तरफ एरो मूव कर रहा है तो थ्री से टू की तरफ मूव नहीं कर रहा है एरो ये भी प्रॉब्लम है फोर से थ्री की तरफ है तो थ्री से फोर की तरफ क्यों नहीं है तो इस तरह से ये आपके पास रिलेशन मेट्रिक नहीं होंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इसकी भी सेम वैसे ही होगी आपने देखना है आपके पास जो है ना ये मैट्रिक्स कंप्लीट मैट्रिक्स को देखें वर्टिकली और हॉर्जोनटली लिख लिया और रिलेशन देखें आप वन थ्री जहाँ पे आ रहा है वन और थ्री उस जगह वन आप पुट कर दें टू टू जहाँ आ रहा है उस पोजीशन पे आपने वन पुट कर देना है थ्री वन जहाँ पे आ रहा है उसकी पोजीशन पे भी और थ्री थ्री की पोजीशन पे भी तो ये आपके पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी ठीक है ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है ट्रांज़िटिव रिलेशन कहता है आपको कि आपने रिलेशन बनाना है और अगर आपके पास सेट है रिलेशन है वो ए के साथ एलिमेंट बना रहा है एलिमेंट ए के यूज़ कर रहा है तो ए में अगर ए बी एलिमेंट है आर के बी सी एलिमेंट है आर के तो फिर ए सी को भी एलिमेंट डिपेंडेंट आर का होना चाहिए ठीक है तो ट्रांजिटिव हम शुरू से ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी यही पढ़ते आ रहे हैं कि ये अगर ए बी के साथ रिलेशन बनाता है बी सी के साथ तो फिर ए के साथ भी ऑटोमेटिकली सी का रिलेशन होना चाहिए ठीक है यही बात इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है देखिए अगर वन थ्री है फिर आप वन टू के साथ भी रिलेशन बना रहा है तो वन का थ्री के साथ भी रिलेशन अगर बनता है तो फिर आपके पास क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है कहते हैं आर वन इज़ ट्रांजिटिव बिकॉज़ वन टू है और वन 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 एंड वन टू रिलेशन है आर के तो ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है कि आपके पास वन टू जो है वो किसके साथ देयर मस्ट बी देयर एंड इट बिलोंग्स टू आर तो वन टू जो है वो रिलेशन बनाना चाहिए नेक्स्ट जो है ना वन थ्री के साथ रिलेशन अगर इसका बनता है तो so, फिर आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है देखिए वन 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 टू वन थ्री तो इनडायरेक्टली टू जो है वो थ्री के साथ रिलेशन बनाता है तो so, ये ट्रांसटिव की प्रॉपर्टी कहती है इसको भी आपने देख लेना डायरेक्टेड ग्राफ सबके लिए जो है ना वो डिपेंड कर रहे होते हैं देखें अगर वन टू के साथ रिलेशन बना रहा है और टू थ्री के साथ तो इनडायरेक्टली वन जो है वो थ्री के साथ भी रिलेशन बनाता है तो ट्रांज़िटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है लेकिन अगर आप देखें इसमें फोर एलिमेंट्स गिवन है वन टू थ्री फोर वन टू की तरफ मूव कर रहा है टू थ्री से थ्री फोर की तरफ और वन फोर की तो ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है कहते हैं आर इज़ आर टू इज नॉट ट्रांसिटिव सिंस देयर इज एन एरो फ्राम वन टू टू एंड फ्राम टू टू थ्री वन से टू की तरफ तो एरो टू से थ्री की तरफ लेकिन वन से थ्री की तरफ एरो नहीं कोई भी बन रहा डायरेक्टली इसलिए ये आपके पास ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती फिर आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाता है ये इन्होंने बताया हुआ आर थ्री ट्रांजिटिव है वो क्यों वन अगर टू की तरफ मूव कर रहा है टू थ्री की तरफ तो फोर जो है वो भी थ्री की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ पे जो है ना कंडीशन सेटिस्फाई होती है अगर आपके पास सर्कल बंद हो जाए तो फिर कंडीशन ट्रांजिटिव की सेटिस्फाई नहीं होती यही बात इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है फिर यहाँ पे एक्सरसाइज गिवन किया है ए आपके पास वन टू थ्री फोर है तो ए का क्रॉस uh, प्रोडक्ट लें अगर आप ए के साथ तो आपके पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो रिफ्लेक्सिव होंगी या नहीं तो एम सेट जो है ना कह रहे हैं कि आपके पास रिफ्लेक्सिव नहीं होता कब तक अगर आपके पास ए बी सी जो है वो ए वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर जो है ना ये एलिमेंट्स आपके पास रिफ्लेक्सिव क्यों होते हैं ना तो इसमें एम्पटी सेट तो आता कोई नहीं तो ये आपके पास रिफ्लेक्सिव नहीं होगा ठीक है फिर ए क्रॉस ए जब इन्होंने लिया तो उसमें क्या आ रहा है कि कंडीशन क्या सेटिस्फाई करती हैं कि दोनों एलिमेंट जो है ना वो वैल्यू सेम होने चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए अगर ए क्रॉस ए करते हैं और वो एलिमेंट ए में ही मौजूद है तो फिर आपके पास वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि ये रिफ्लेक्सिव है नहीं है तो फिर क्यों नहीं है उसकी रीज़न देनी है फिर आपने स्मिट्रिक क्या उसके लिए क्या है भाई ए बी है तो आपके पास बी ए भी रिलेशन एम्पटी सेट का होना चाहिए ठीक है तो ये एम्पटी सेट के साथ कंडीशन कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए जो करने वाली चीज़ें हैं फिर ये जो है ना इसको आपने मोटा मोटा देख लेना है, इस तरह के सवाल पेपर में नहीं आते होते ठीक है ये सारा जो है ना ये इसी से रिलेटेड है जो पीछे मैंने आपको समझाया ना तीन चार वही इंपॉर्टेंट है अच्छा इसमें ये जो ट्रांजिटिव की कंडीशन है ये देख लें अगर एम एन और पी जो है वो एलिमेंट हैं इंटीजर के तो कहते हैं कि फिर एम जो है ना वो आपके पास डिविजिबल होना चाहिए एन पे और एन जो है वो डिविजिबल होना चाहिए पी के साथ भी तो आप इसको एम ओवर एन लिखेंगे या एन ओवर पी लिखेंगे जब आप एन और पी के लिए लगाएंगे डिवाइड का साइन बीच में लगाएंगे ठीक है तो ये ट्रांसटिव फिर क्या कहता है अगर एम एन ये इक्वल है एम एन पी के तो फिर एम को पी के इक्वल भी होना चाहिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करके देनी है आपने विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसटिव प्रॉपर्टी पी डिवाइडेड बाय एम बी आपके पास फिर होना चाहिए तो वो किसके इक्वल आएगा पी एन स्टेरिक एन पी के ठीक है तो यहाँ पे एन एन से कट होता है तो आपके पास एम ओवर पी पी ओवर एम आ जाता है तो ये आपके पास ट्रांसटिव की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है इस तरह से आपने सिर्फ रीड कर लेना है इक्वी बेलेंस रिलेशन क्या कहता है इक्वी बेलेंस रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जिसमें नंबर ऑफ वैल्यूज़ सेम आ रही होती हैं अगर ए आपके पास वन टू थ्री फोर है और रिलेशन जो बना कर दिया उसमें वन वन टू 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 फोर थ्री थ्री फोर टू और थ्री फोर फोर आ रहा है ऐसा जो रिलेशन है ये आपके पास रिफ्लेक्सिव भी है ये आपके पास सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो इस तरह के अगर रिलेशनस आ जाएँ तो वो आपके पास कौन से होते हैं वो आपके पास इक्वी बेलेंस रिलेशन होते हैं क्यों होंगे क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव की सिमेट्रिक और ट्रांसटिव की तीनों की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है रिफ्लेक्सिव है तो आपके पास हर वैल्यू का जो है ना वो सेम वैल्यूज होना ज़रूरी है एलिमेंट की ऑर्डर पेयर वन वन है टू टू है थ्री थ्री है फोर फोर है। ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया और ट्रांसटिव जो क्या नाम है उसको कहते हैं सिमेट्रिक है वो कब होगा वन वन है टू टू है टू फोर है, टू फोर है तो फोर टू भी अवेलेबल है बीच में तो ये आपके पास ट्रांसमेट्रिक की भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई या फिर ट्रांसटिव क्या कहता है वन वन है टू टू है टू फोर है तो फिर फोर टू भी है इस तरह से थ्री थ्री है और फोर फोर भी है तो ये रिलेशन बाकायदा बन रहे हैं इक्वी वेलेंस के भी तो ये आपके पास थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है फिर क्या आता है आप कॉन्ग्रेंस uh, कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए क्या है एम आपके पास इक्विवेलेंट है एन मॉड डी के तो ये वाली जो है ना आपने इसको जो है ना वो याद रखना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एम माइनस एन ब्रेकिट ब्रैकेट एम माइनस एन इक्वल टू डी डी डॉट के तो आपके पास जो बाकी के नीचे सवाल है ना वो इस तरह से होने हैं इस ट्वेंटी टू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है आपके पास मॉट थ्री के तो आप इसको किस तरह से जो ना वो राइट कर लेंगे ट्वेंटी टू को पहले लिखेंगे और इक्वल दूसरे साइड पर जो वन आ रहा है उसको माइनस करेंगे बीच में से क्योंकि ये आपके पास जो ट्वेंटी टू है वो एम है और जो एन है वो आपके पास वन की वैल्यू है और मॉट थ्री आपने बाद में लिखना है है साथ ठीक है तो उसकी क्या कंडीशन है 22 में से माइनस वन किया तो वो क्या आ जाएगा 21 वो इक्वल की एक साइड पे रहेगा और थ्री मल्टीप्लाई आप कर देंगे सेवन के साथ ठीक है तो ये कंडीशन किस तरह से बनेगी थ्री डिवाइडेड बाय 22 टू माइनस वन जो मॉड है वो ओवर में आना है ना ओवर की फॉर्म में तो आपके पास इक्कीस कैसे आता है अगर तीन साथ आप करते हैं तो इक्कीस आता है ना तो ये कंडीशन आपके पास आएगी कि थ्री डिवाइडेड बाय ट्वेंटी टू माइनस वन क्या आ जाएगा थ्री डिवाइडेड बाय ट्वेंटी वन जब आप इसको कट करते हैं तो फिर वन ओवर सेवन आपके पास जो है ना इसका आंसर आ जाता है ठीक है वैसे इन्होंने बस इतना सा ही बताया हुआ कि इसको मॉड की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाता है बाकी के क्वेश्चन को भी देख लेना बी वाला भी इन्होंने दिया हुआ है माइनस फाइव है और दूसरी साइड पे प्लस टेन मॉड थ्री है जो बी वाला क्वेश्चन है ना वो मैं हाईलाइट कर देती हूँ ये वाला तो इसमें भी क्या किया हुआ है आपके पास माइनस फाइव है वो एम की वैल्यू है और टेन एन की वैल्यू है तो माइनस फाइव में से माइनस टेन दूसरी साइड पे आके माइनस होगा मॉट थ्री दूसरी तरफ ही रहेगा तो फिर मॉट थ्री के नीचे डिवाइड हो जाएगी आपके पास माइनस फिफ्टीन ठीक है तो इस तरह से ही जो है ना आपने इनको रिप्रेजेंट uh, कर देना है किसकी फॉर्म में कॉन्ग्रेंस की फॉर्म में ये बाकी के क्वेश्चन जो है ना वो सारे इसी बेस पर हो रहे हैं आपने इसको जस्ट रीड कर लेना है ऐसे इम्पोर्टेंट इसमें कुछ भी नहीं है नंबर आ जाता है थर्टीन इसमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपने रिलेशंस की बतानी है आर और एस आपके पास रिफ्लेक्सिव कब होंगे जब आप उनका इंटरसेक्शन लेते हैं और वो रिफ्लेक्सिव आ जाता है तो अगर आप ए ले रहे हो एलिमेंट वो ए ए है तो ए अगर आर और एस की वैल्यूज़ इक्वल आएंगी ना ए ही एलिमेंट उसका आएगा यानी कि सेम आपके पास ऑर्डर पेयर बनेंगे तो वो रिफ्लेक्सिव है तो हम कह है सकते हैं कि हाँ भाई आर इंटरसेक्शन एस जो है वो रिफ्लेक्सिव है फिर आर इंटरसेक्शन एस मेट्रिक कब होगा अगर आपके पास ए बी की वैल्यू वो बी ए की वैल्यू के इक्वल आती हैं आर इंटरसेक्शन एस लेते हैं वो भी ए बी के इक्वल है और आर इंटरसेक्शन एस जो है वो बी ए के भी इक्वल आता है दोनों के एलिमेंट हो जाते हैं तो वो वो है बेसिकली आपको ना इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं बस आपने याद रखना है रिफ्लेक्सिव स्मिट्रिक और जो है ना वो ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन है और फिर आपने इनको कर लेना है ठीक है बाकी ये सारी थेरी है एग्जाम्पल दी हुई है इर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन से होते हैं रिफ्लेक्सिव कौन से थे ऐसे जिसमें अपने साथ वो पेयर बना रही वैल्यूज ना एलिमेंट और इ रिफ्लेक्सिव में क्या होगा खुद के साथ कोई पेयर नहीं बन रहा होगा तो वो इ रिफ्लेक्सिव है जैसे देखें ये आपको डायरेक्टेड ग्राफ भी नज़र आ रहा है अगर वन वन जो है वो टू की तरफ मूव कर रहा है टू अगर थ्री की तरफ मूव कर रहा है ठीक है लेकिन वन खुद के साथ नहीं पेयर बना रहा टू टू के साथ नहीं बना रहा तो ये इस तरह की कंडीशन आपके पास इ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं ठीक है ये बात इन्होंने आगे वजाहत की हुई है फिर इसका डायरेक्टेड ग्राफ दे दिया हुआ है तो डायरेक्टेड ग्राफ हमने कैसे किया मैंने आपको बता दिया कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो है ना वो आप वैल्यूज़ को लेते हैं और इसको जो है ना रिप्रेजेंट करवा देते हैं जो जो गिवन किया हुआ है ना रिलेशन में वन वन वाला फर्स्ट वाला वन और थ्री पॉइंट है ना ए वन और बी थ्री है तो वन और थ्री जहाँ पे वहाँ पे वन लिख दें और जहाँ पे आपके पास कंडीशन मुकम्मल करके बाकी की एम्प्टी बचती हैं प्लेसेस वहाँ पे आप जीरो पुट कर देते हैं तो यही करना है आपने बस यहाँ पर फिर एंटी सिमेट्रिक कब होगा यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक कब होगा सिमेट्रिक क्या कहता था अगर ए बी है तो बी ए के इक्वल आ जाए ना तो एंटी सिमेट्रिक कहता है कि आपके पास अगर रिलेशन है ए बी वो एलिमेंट है आर का और ए बी तो फिर ए इक्वल होना चाहिए बी के अगर ए बी के इक्वल आ जाए तो ये वाली कंडीशन क्या होती है ये एंटी स्मेट्रिक है सिमेट्रिक में क्या था ए बी है तो बी ए के इक्वल होना चाहिए ना तो यहाँ पे क्या ही ये है रहे हैं कि ए और बी दोनों इक्वल हो जाएं जब तो आपके पास वो एंटी समेट्रिक आ जाता है फिर आपके पास एंटी समेट्रिक की कंडीशन बता दी ने एंटी का आपके पास कब होगा अगर ए और बी आपके पास एलिमेंट्स हैं ए और बी एलिमेंट हैं और का बी ए भी है लेकिन ए इक्वल ना हो बी के तो वो एंटी है ठीक है फिर आपके पास आती है सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी और बीइंग एंटी अगर सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है और वो एंटी नहीं है तो वो क्या होंगी वो नेगेटिव होंगी एक दूसरे के ठीक है अगर ए इक्वल आ रहा है ना एक इक्वल की बी के नहीं आ रहा तो फिर आपके पास ए इक्वल माइनस भी आता तो ये एंटी हो जाएगा ना एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा एक दूसरे की सॉरी कहते हैं अगर आपके पास प्रॉपर्टी समेट्रिक की और एंटी सिमेट्रिक की आ जाएँ तो वो एक दूसरे की नेगेटिव नहीं होंगी ठीक है फिर आ जाती है आपके पास इसकी एक्सरसाइज उसमें ए की वैल्यूज़ वन टू थ्री फोर गिवन की हुई हैं रिलेशंस बना के फोर दे दिए हैं तो फर्स्ट वाला आप देख के बताएं वो एंटी सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है तो वन वन के साथ रिलेशन बना रहा है वन टू के साथ और टू थ्री के साथ थ्री uh, थ्री के साथ तो ये रिफ्लेक्सिव है तो रिफ़्लेक्सिव जो है वो आपके पास जो है ना वो सिमेट्रिक भी आ रहा है और एंटी सिमेट्रिक भी क्योंकि एंटी सिमेट्रिक में उन्होंने कहा था कि ए की वैल्यू इक्वल होगी बी के तो ये एंटी सिमेट्रिक भी है और आपके पास ये सिमेट्रिक भी कंडीशन सेटिसफाई हो रही है सेकेंड वाले में देखें आर टू है वन टू 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 थ्री थ्री फोर और फोर वन तो ये कहते हैं कि आपके पास एंटी सिमेट्रिक तो हैं लेकिन क्या है सिमेट्रिक भी है क्यों अगर वन टू है तो टू वन का एलिमेंट भी जो है ना वो मौजूद होना चाहिए था लेकिन वो आर टू में नहीं है तो ये नहीं है इसलिए जो है वो रिलेशन आर टू का नहीं है टू वन तो ये इस कंडीशन जो है वो नॉट सिमेट्रिक है ठीक है इस तरह से बाकी के आपने एलिमेंट्स भी देख लेने डायरेक्टेड ग्राफ भी इन्होंने बता दिया हुआ है अच्छा ये आपके पास वैल्यूज देंगे ना तो डायरेक्टेड ग्राफ आपने फिर बनाना होगा खुद ही रिलेशन दे देते हैं तो वो आपको इजी हो जाता है रिलेशन बनाना है आपने आपको आर की वैल्यूज़ गिवन कर दी हैं सिंपल एक ख़ास फासले से वैल्यूज़ को लिखें और पेयर जैसे बताया हुआ है वैसे आर उसको मूव करवाते जाएं वन का वन के साथ बनाएं पेयर वन का टू के साथ टू का थ्री के साथ और थ्री का वन के साथ ठीक है फिर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बताई हुई है एंटिस मेट्रिक की सेम आपने जो है ना अगेन इसी चीज़ को रिपीट किया हुआ है आपको मेरे ख्याल से मैंने कितनी दफ़ा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बता दिए कैसे बताते हैं कैसे बनाते हैं फिर आ जाता है आपके पास कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है अगर आपके पास जो है ना आर है वो रिफ्लेक्सिव भी है वो एंटी सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो हम कह सकते हैं कि ऐसा आपके पास पेयर जो है ना ऑर्डर पेयर वो पार्शियल है पार्शली ऑर्डर भी है या फिर उसको हम पोस्ट भी कहते हैं ठीक है एग्जाम्पल दी हुई है आर अगर आपके पास रियल नंबर्स हैं और वो लेस देन और इक्वल टू हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि रियल नंबर जो है ना वो हमारे पास एक्स है अगर तो आ रिलेशन है उसमें एक्स पाया जाता है वो लेस देन या इक्वल है वाई के तो वो इक्विवेलेंट होगा एक्स जो है वो लेस देन है वाई से या एक्स इक्वल है वाई के तो ये जो दो कंडीशन आ रही हैं वो पार्शल की कंडीशन है हो सकता है वो लेस देन हो वाई से या हो सकता है वो इक्वल आए वाई के तो ये आपके पास प्रॉपर्टी एग्जाम्पल है इसको आपने बताना है रिफ्लेक्सिव है अगर लेस देन इक्वल तो अगर आपके पास x एलिमेंट है वो इक्वल या फिर बराबर आ रहा है या छोटा आ रहा है x से तो वो आपके पास क्या होगा x लेस देन x जो तो है इसका ये मतलब है कि x लेस देन x है या x बराबर है तो x इक्वल x के वो तो कंडीशन ट्रू होती है कि ज़ाहिर है वन है वो वन के इक्वल आ सकता है तो ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे आपके पास ख़ुद के साथ जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो जाती है एंटी सीट्रिक क्या कहता है एंटी समेट्रिक बेसिकली हमारे पास रिफ्लेक्सिव का ही ऑपोजिट होता है ठीक है अगर एक्स वाई है वाई एक्स है तो एक्स का वाई के इक्वल आना चाहिए तो अगर ये एक्स जो तो है वो वाई के इक्वल आ जाता है ये वाली लाइन को आप नोट करें तो ये है आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है एंटी स्मेट्रिक की और ट्रांजिटिव क्या कहती है ट्रांजिटिव आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा सेकेंड वाली लाइन को देखें अगर एक्स वाई ये आपके पास एलिमेंट्स हैं तो क्या होगा x एलिमेंट लेस लेजन इक्वल वाई के और y लेस लेजन इक्वल जी है तो x लेस लेजन इक्वल्स टू जी होना चाहिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये आपके पास पार्शली जो है ना वो ऑर्डर पेयर बन रहे हैं इसको पोजेड भी कहते हैं हमने पीछे रीड कर लिया है फिर ये रिफ्लेक्सी सबसेट्स आ जाते हैं एंटी स्मेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए तो सेम जो है ना वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो पहले मैं आपको करवा चुकी हूँ आपने इसको जस्ट रीड कर लेना है इस लिहाज से वो बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट नहीं है जो बता चुकी हूँ मैं आपको बार बार सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो ये था मेरे ख्याल से यहाँ तक कि आपका जो है लेक्चर नंबर ट्वेंटी सॉरी थर्टीन वाला uh, ख़त्म होता है मिलते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में तब के लिए अल्लाह हाफिज़